अब ऊटपटांग। ऊटपटांग इज अ कॉमेडी थ्रिलर, एक रात की कहानी है। विनय पाठक यानी राम का ब्रेकअप होने वाला है उनकी गर्लफ्रेंड से। ब्रेकअप हो चुका है एंड इन द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग। संजना उनकी गर्लफ्रेंड है, माही गिल, हु हैज फाउंड सोलेस इन अ गैंगस्टर यानी लकी, अगेन प्लेड बाय विनय पाठक, यानी शी डिचेज राम टू बी विद लकी। खैर, ये ब्रेकअप होने वाला है और सौरभ शुक्ला जो कि राम के दोस्त है, ही इज ट्राइंग टू सेट अप अ गर्लफ्रेंड फॉर राम एंड दैट गर्लफ्रेंड इज कोयल हु इज हार्ट ब्रोकन, कोयल यानी मोना सिंह। तो माही गिल से विनय पाठक का ब्रेकअप हो रहा है बिकॉज शी हैज फाउंड अ गुड फ्रेंड इन अनदर विनय पाठक, दैट इज लकी। एंड सौरभ शुक्ला जो विनय पाठक यानी पहले विनय पाठक के दोस्त हैं, वो सेटअप कर रहे हैं कोयल यानी मोना सिंह को फॉर हिज फ्रेंड। तो ये कहानी है, ये बेस है। एंड इस दरमियान देर इज अ मनी डील विच गोज टेरिबली रॉन्ग, और दैट मनी डील इज अ बिग मनी डील। और इस गलतफहमी में ये जो हुआ है, द बैग कंटेनिंग लॉट्स क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ रुपीज विच हैज गॉन मिसिंग, इस गेम में कौन कौन इन्वॉल्व्ड है? एक तो राम यानी विनय पाठक, एक उनकी एक्स गर्लफ्रेंड और नए विनय पाठक यानी लकी की करंट गर्लफ्रेंड दैट इज माही गिल, एक वो गैंगस्टर विनय पाठक दैट इज लकी, क्योंकि वो पैसे लकी के ही हैं, लकी ने अपनी वाइफ से मंगाए हैं, इट हैज गॉट ट्रांसफर टू हिज अकाउंट एंड ही हैज विड्रॉन 5 करोड़ रुपए हैं। उनकी वाइफ चाहती है कि लकी यानी डेलनास पॉल चाहती है कि लकी उनके लिए एक घर खरीदे जहां पर ये दोनों रह सके, और विनय पाठक बहुत होशियार हैं, वो 5 करोड़ में से 2.5 करोड़ फ्लैट के लिए रखते हैं और 2.5 करोड़ ऐसे अलग रखते हैं कि मैं इनको पॉकेट कर लूंगा और मेरी वाइफ को भी पता नहीं चलेगा। तो ये 5 करोड़ के 5 करोड़ पूरे गायब हो जाते हैं। तो एज आई वाज सेइंग, बोथ द विनय पाठक्स आर इन्वॉल्व इन दिस कैट एंड माउस गेम टू लोकेट द बैग, देन देर इज माही गिल हुज इन्वॉल्व, देन देर इज कोयल यानी मोना सिंह इज ऑल्सो इन्वॉल्व, शी हैज बाय नाउ बिकम फ्रेंडली टू विनय पाठक दैट इज राम, क्योंकि वो अकेले हैं, उनकी गर्लफ्रेंड भाग गई है, उन्हें छोड़कर चली गई है। तो कोयल यानी मोना सिंह हैज बिकम फ्रेंडली टू विनय पाठक यानी राम, शी इज ऑल्सो इन्वॉल्व, एंड ऑफकोर्स सौरभ शुक्ला हु हैज ऑर्केस्ट्रेटेड दिस एंटायर फ्रेंडशिप बिटवीन राम एंड कोयल, ही इज ऑल्सो इन्वॉल्व। तो ये पांचों के बारे में है, इट्स अ कॉमेडी, इट्स अ थ्रिलर, एंड एक रात में क्या होता है, पैसे किसको मिलते हैं, पैसे मिलते भी है या नहीं, कौन चोर है, कौन चोर नहीं है, कौन सच्चा है, कौन अच्छा है, ये सारी बातें इस फिल्म के दरमियान बोली गई है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसमें नैरेटिव स्टाइल काफी अलग है। स्क्रीन प्ले हैज बीन रिटन बाय सौरभ शुक्ला, और उन्होंने स्क्रीन प्ले लिखने की तरकीब कुछ अलग सोची है, इन द सेंस कुछ सीन्स ऐसे हैं जो अलग अलग कैरेक्टर्स के व्यू पॉइंट से बताए गए हैं। सो यू हैव वन पर्टिकुलर सीन, आफ्टर 15 मिनट्स द सेम सीन इज रिपीटेड फ्रॉम द डिफरेंट कैरेक्टर। फर्ज कीजिए एक सीन में देयर इज अ टेलीफोन कॉन्वर्सेशन बिटवीन सौरभ शुक्ला एंड विनय पाठक, पहले विनय पाठक के व्यू पॉइंट से ये टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन बताया गया है, 15-20 मिनट बाद ये सेम टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन सौरभ शुक्ला के व्यू पॉइंट से बताया गया है, एंड देयरफॉर द सेम सीन यू सी फ्रॉम टू डिफरेंट साइड्स। तो इस तरह पूरी स्टोरी में, पूरी कहानी में, पूरे स्क्रीन प्ले में अलग अलग सीन्स रिपीट होते हैं फ्रॉम डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। ऑफकोर्स ये बहुत ही नॉवल तरीका है कहानी बताने का, लेकिन वाइल वन सेक्शन ऑफ द ऑडियंस विल अप्रिशिएट दिस यूनिक स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग, देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल जिन्हें ये फॉर्म ऑफ नरेशन समझ ही नहीं आएगा, एंड देयरफॉर द स्क्रीन प्ले विच इज क्वाइट इंटेलिजेंटली रिटन बाय सौरभ शुक्ला, इट हैज वेरी लिमिटेड अपील। एक और बात, दिस होल फिल्म लुक्स लाइक अ टीवी सीरियल, ज्यादा टीवी सीरियल लगता है बजाय के फिल्म, एंड देयरफॉर आपको यह लगता है कि फिल्म देखने जब आप आए हैं एक टीवी सीरियल का मजा आपको आ रहा है। दिस इज नॉट टू से दैट इट्स अ बैड फिल्म, ऑफकोर्स इट्स एन इंटरेस्टिंग फिल्म, इट्स अ गुड फिल्म, इवन द डायलॉग्स बाय सौरभ शुक्ला आर रियली इंटरेस्टिंग एंड डू गेट अ स्माइल ऑन योर फेसेस सेवरल टाइम्स, लेकिन ऑल इन ऑल क्योंकि ये टीवी सीरियल का फील देता है, प्लस देयर इजंट सच अ स्टार कास्ट के लोग इस फिल्म पर टूट पड़े, वैसे ही शुरुआत कमजोर मिली है, और इसलिए भी इस फिल्म का सिनेमा घर में चलना थोड़ा मुश्किल है। अब परफॉर्मेंसेस की तरफ एक नजर, विनय पाठक इज इन अ डबल रोल, एक तो ही इज राम जिनका ब्रेकअप हो रहा है, और दूसरा ही इज अ गैंगस्टर लकी, एंड दैट गैंगस्टर इज ऑब्सेस्ड विद द फ्रेंच लैंग्वेज। तो ये जो फ्रेंच स्टाइल में बात करते हैं, अगेन वो क्लासेस को पसंद आएगा लेकिन मासेस के पल्ले ही नहीं पड़ेगा, दे विल नॉट इवन अंडरस्टैंड सम ऑफ हिज डायलॉग्स, और समझ में ही नहीं आएगा दैट ही इज अ फ्रेंच ऑब्सेस्ड, लैंग्वेज फ्रेंच ऑब्सेस्ड का है। बट काम उन्होंने दोनों रोल्स में बहुत ही बढ़िया किया है, सौरभ शुक्ला ने भी काम बहुत अच्छा किया है, एंड द टू ऑफ देम कॉम्प्लीमेंट ईच अदर वंडरफुली। माही गिल इज रियली वेरी नेचुरल एंड बोल्ड,
देन देर इज मोना सिंह जो सहमी हुई है, डरी हुई है, मगर चंट बहुत है, उनका भी काम अच्छा है. देर इज संजय मिश्रा, ही इज अ फाइन एक्टर एंड इस फिल्म में वो लाफ्टर इवोक करते हैं, कॉमेडी उनकी अच्छी है. देर इज ऑल्सो ब्रिजेंद्र काला, अनदर फाइन एक्टर, अनदर गुड एक्टर, एंड ही इज ऑल्सो डन वेल. मुरली शर्मा प्लेज अ पुलिस ऑफिसर, और हालांकि उनका रोल छोटा है, काम बहुत ही कम है, लेकिन ही स्टैंड्स हिज ओन. गोविंद नामदेव ऑलमोस्ट लास्ट सीन में आते हैं, उनका भी काम मजेदार है. डेलनास पॉल इन अ स्पेशल अपीयरेंसेस क्यूट. दिस पवन भिड़े, ही इज ऑल्सो सपोर्टेड वेल. ऑल इन ऑल गुड परफॉर्मेंसेज. इस फिल्म में निर्देशन है श्रीकांत विलागलेटी का, एंड ही इज डन रीजनेबली वेल. कहानी भी उनकी है, कहानी क्वाइट नॉवल. स्क्रीन प्ले का स्टाइल जो है कुछ लोगों को अपील करेगा, कुछ को नहीं, एंड देयरफॉर ही इज लिमिटेड बाय दैट, एंड अदरवाइज हिज डायरेक्शन इज क्वाइट गुड, ही नोज द मीडियम. म्यूजिक बाय शमी टंडन इज रीजनेबली नाइस. बैकग्राउंड स्कोर संजॉय चौधरी का है, वो अच्छा है. एंड इन अ कॉमेडी एंड इन अ थ्रिलर द बैकग्राउंड स्कोर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैज टू बी इफेक्टिव, अदरवाइज सीन्स कैन फॉल फ्लैट. तो संजय चौधरी का बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है. कैमरा वर्क एंड अदर टेक्निकल एस्पेक्ट्स आर रीजनेबली नाइस. एडिटिंग इज क्वाइट शार्प. ओवरऑल ऊट पटांग डजंट हैव मच फॉर द बॉक्स ऑफिस, यानी बॉक्स ऑफिस पर ये कोई जलवे नहीं दिखा सकती है. मोर सूटेड फॉर अ टेलीविजन सीरियल, एंड देयरफॉर एट द बॉक्स ऑफिस इट विल रिमेन एज वन मोर.